वर्ल्ड टी ट्वेंटी दो हजार सोलह में शिरकत करने वाली कौमी क्रिकेट टीम के तमाम मैचों के बरह रास्त नशरियाती हकूक पाकिस्तान टेलीविजन के पास है कोई और पाकिस्तानी चैनल ये मैच बरह रास्त नहीं दिखा सकता पी टी वी को ये हकूक मुफ्त में नहीं एक खतीर रकम के अवैज मिले हैं कल भारत और पाकिस्तान के दरमियान वर्ल्ड टी ट्वेंटी सीरीज के दो मैच हुए पहला दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारत और पाकिस्तान की खबीन टीमों के दरमियान हुआ जो पाकिस्तान ने तकनीकी बुनियाद पे दो रन से जीत लिया मगर पीटीवी ने इस मैच की लाइव कवरेज मुनासिब नहीं समझी सारा ध्यान जोर और शूशां कलकत्ता में पाक भारत मर्दाना मार्के पे मरकूज रहा दिल्ली में पाकिस्तान की गैर मुतव जीत कोलकाता की मुतवको हार तले दब गई पीटीवी समेत हर पाकिस्तानी चैनल पे उफ ये क्या हुआ कि तबसराती सीना को भी होती रही कभी कभार खातीन टीम की जीत का सरसरी सा सर तस्करा हो के बाद फिर हाय वावेला की जानेब मुड़ जाती सोशल मीडिया पे भी कोलकाता का ही कब्जा रहा और अगर खातीन क्रिकेट टीम की जीत का तस्करा किसी ने किया भी तो बड़े पोले पोले अंदाज में वो जो खुद को क्रिकेट के दीवाने कहते हैं उनमें से कितनों को मालूम है कि जब से पाकिस्तानी मर्दाना क्रिकेट टीम नाकाम हो रही है तब से पाकिस्तानी लड़कियां हर टाइटल पे झपट रही हैं। 2009 के सिडनी वर्ल्ड कप से 2010 और 14 के एशियन गेम्स गोल्ड मेडल तक वन डे इंटरनेशनल में पाकिस्तान की तरफ से पहली सेंचुरी स्कोर करने वाली नैन आबिदी ने अपने मजहबी खानदान की बेपनाह मुखालिफत और मोहल्ले के लौंडों की फिक्रेबाजी के बावजूद क्रिकेट ग्राउंड नहीं छोड़ा और आज यही लड़की इलाके से गुजरती है तो वही लड़के एहतरामन रास्ता छोड़ देते हैं और वो बच्ची जिसके बारे में टेक्सला की गलियों में क्रिकेट खेलने वाला हर लड़का जानता था कि तीस गज का स्टार्ट लेके जब गेंद कराने दौड़ती है तो विकेट खुद ही परे हट जाती है इस बच्ची का पहला कोच भाई और पहला सिलेक्टर बाप था ये बच्ची जब यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सला में पढ़ रही थी तो एक दिन पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट कंट्रोल एसोसिएशन के ट्रायल्स का अखबारी इश्तेहार देखा बाप ने कहा इंजीनियर तो बहुत लड़कियां बन रही हैं क्रिकेटर बहुत कम है जाओ अपना पूरा करो। 2007 में इस लड़की ने विमेन क्रिकेट नेशनल चैंपियनशिप में कराची की गयादत की और लाहौर को फाइनल में हरा दिया और जब 2009 में कौमी क्रिकेट टीम की कप्तान उरूज मुमताज रिटायर हो गई तो इस लड़की ने कप्तानी संभाली दुनिया आज इसे सनामीर के नाम से जानती है और फिर कैप्टन सनामीर की टीम ने नाकामियों की तवील फहरिस्त फाड़ के फेंक दी मगर जब कुछ भी नहीं था तब शिजा और शर्मीन थीं जिन्होंने नब्बे की दहाई में पाकिस्तान वीमेन क्रिकेट कंट्रोल एसोसिएशन की बुनियाद रखी और क्रिकेट कैरियर की ख्वाहिशमंद ऐसी लड़कियों की तलाश शुरू की जो रकीक मर्दाना जुमलों और धमकियों के दरमियान स्पोर्ट्समैन स्प्रिट दिखा सकें इस डिजी एसोसिएशन को बादजा क्रिकेट के उन खांगड़ों ने बखुशी कौमिया लिया जिनका कल तक ख्याल था कि लड़की का क्रिकेट से क्या लेना देना जब पाकिस्तानी लड़कियों ने 2010 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता तो वादा किया गया कि एक ऐसी स्टेडियम फैसिलिटी बनाई जाएगी जहां सिर्फ खीन क्रिकेटर्स प्रैक्टिस कर सकें आज 2016 है और ऐसी कोई सहूलत नहीं पाकिस्तानी फाइटर पायलट सिपाही हैवी ड्यूटी ड्राइवर साइंसदान सफारतकार क्रिकेटर कुछ भी बन सकती हैं। जब माइक्रोफोन सामने आ जाए तो हर कोई उन्हें सराहता भी है मगर हम में से अक्सर आज भी अंदर से यही चाहते हैं कि वो ऐसा ना करें तो अच्छा है वही पीटीवी जिसने 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स की जिम्नास्टिक नादिया कमचिफ को घर घर मुतारिफ करा दिया जो वेम्बल्टन टेनिस के विमेन सिंगल्स और डबल दिखाने से बाज ना आया आज वही पीटीवी सालिम लिबास वाली विमेन कौमी क्रिकेट टीम के कवरेज से भी कन्नी कतराता है जयाउल हक नहीं तो क्या हुआ पीटीवी के मौजूदा चेयरमैन अताउल हक ही सही ऐसे में तो सिराजुल हक भी गनीमत हैं जिन्होंने पाकिस्तानी विमेन टीम को भारत से जीतने पर मुबारकबाद तो दी